वेलकम टू लिटिल स्टार। आज हम इस वीडियो में क्लास वन की इंग्लिश बुक रेन ड्रॉप्स उसका चैप्टर 16 पढ़ेंगे। सो चैप्टर 16 इज़ द लायन एंड द माउस, शेर एंड चूहा। तो ये शेर एंड चूहे की स्टोरी आपने शायद पढ़ी होगी, पहले सुनी होगी, तो ये चैप्टर में वही स्टोरी है। अ लायन वॉज स्लीपिंग, लायन जो है वो सो रहा था। अ लिटल माउस वॉज प्लेइंग नियर बाय, और एक छोटा सा चूहा उसके आसपास खेल रहा था। द लायन वॉक अप, लायन उठ गया। द लायन कॉट द माउस सेड लेट मी गो प्लीज, आई शैल हेल्प यू समडे। तो शेर ने चूहे को पकड़ लिया और फिर चूहे ने उसे कहा मैं आपकी एक दिन मदद करूँगा। द लायन सेड आई एम बिग, यू आर स्मॉल, यू कैन नॉट हेल्प मी, गो अवे। तो फिर शेर ने कहा कि मैं तो बहुत बड़ा हूँ और तुम छोटे हो, तो तुम मेरी मदद नहीं कर सकते, दूर चले जाओ। सम डेज लेटर द लायन वॉज कॉट इन अ लार्ज नेट। सम डेज लेटर द लायन वॉज कॉट इन अ लार्ज नेट, इट रोड एंड रोड। तो कुछ दिन के बाद क्या हुआ कि ये जो शेर है उसको किसी ने पकड़ लिया और उसके ऊपर ऐसी नेट डाल दी। देखिए यहाँ पे ये पिक्चर में देखिए, शेर के ऊपर पूरा बड़ा एक नेट डाल दिया है किसी ने उसको पकड़ने के लिए। सो लायन रोड एंड रोड, मतलब वो जोर जोर से गर्जना करने लगा। द माउस कैम रनिंग, इट निबल्ड एट द नेट। उसके बाद चूहा जो है वो दौड़ के आया और उसने वो पूरे नेट को कुतर डाला। निबल मतलब कुतरना, ठीक है। सो फिर क्या हुआ, द लायन वॉज नाउ फ्री, थैंक यू सेड द लायन टू द माउस। उसके बाद ये जो शेर है वो फ्री हो गया, ठीक है। फिर उसने माउस को थैंक यू बोल दिया। सो ये आपकी यहाँ पे स्टोरी कंप्लीट हो गई। नाउ आंसर दिस क्वेश्चंस, लुक एट द फर्स्ट पिक्चर, व्हाट इज द लायन डूइंग। अब पहला पिक्चर देखिए, फर्स्ट पिक्चर, उसमें लायन क्या कर रहा है। तो फर्स्ट पिक्चर में लायन सो रहा था, राइट, ये रहा देखिए। सो इन फर्स्ट पिक्चर लायन इज स्लीपिंग। नाउ सेकंड क्वेश्चन, व्हाट वाज द लिटिल माउस डूइंग। तो लिटिल माउस क्या कर रहा था, माउस वाज प्लेइंग नियर बाय लायन। व्हाई डिड द लायन लेट द माउस गो। अब लायन ने माउस को क्यों जाने दिया, क्योंकि लायन ऐसा सोच रहा था कि माउस जो है वो तो स्मॉल है और वो खुद इतना बड़ा है, तो वो उसकी हेल्प कैसे करेगा। देखिए यहाँ पर, ठीक है, आई एम बिग, यू आर स्मॉल, सो यू कैन नॉट हेल्प मी, गो अवे। तो इसलिए उसने उसे जाने दिया कि तुम छोटे हो तो तुम मेरी क्या मदद कर लोगे, ठीक है। क्वेश्चन 4 इज, व्हाई डिड द लायन रोर। क्योंकि एक बड़ा सा जाल उसके ऊपर किसी ने फेंक दिया था, राइट। देखिए ये नेट, एक लार्ज नेट से उसको किसी ने पकड़ लिया था। द लायन वॉज कॉट इन अ लार्ज नेट। क्वेश्चन 5 इज, लुक एट द फिफ्थ पिक्चर, व्हाट इज द लिटिल माउस डूइंग। तो फिफ्थ पिक्चर में देखो माउस क्या कर रहा है। सो फिफ्थ पिक्चर ये है, ओके, ये वाली जो पिक्चर है वो फिफ्थ पिक्चर है, और इसमें माउस क्या कर रहा है, माउस निबल एट द नेट, ओके। नाउ सिक्स क्वेश्चन इज, व्हाट डिड द लायन से व्हेन ही वॉज फ्री। तो जब लायन फ्री हो गया तब उसने माउस को क्या कहा था, थैंक यू, राइट। सो लायन से थैंक यू व्हेन ही वॉज फ्री। नाउ लेट्स ट्राई दिस, मैच द ऑपोजिट्स। तो यहाँ पे जो ऑपोजिट सेंटेंस है, वर्ड्स है, उसको आपको मैच करना है। यहाँ पे देखिए, दिस इज अ लिटल माउस, लिटल का ऑपोजिट होता है बिग। सो यहाँ पे बिग ये रहा, दिस इज अ बिग लायन। सो इन दोनों को मैच कर दो। दिस इज अ फैट बॉय, दिस इज अ थिन बॉय, फैट का ऑपोजिट होता है थिन। सो इन दोनों को मैच कर दो। दिस इज अ टॉल गर्ल, टॉल मतलब
जो ऊंचा होता है, हाइट जिसकी ज़्यादा होती है, एंड दिस इज अ शॉर्ट गर्ल, तो ये ऑपोजिट हो गए दोनों. ओके, नाउ देर आर फाइव डिफरेंसेस इन द टू पिक्चर्स गिवन बिलो, वर्क इन पेयर्स एंड फाइंड द डिफरेंसेस. तो इसमें आपको कुछ डिफरेंसेस निकालने हैं, ये दो पिक्चर्स हैं, इसमें डिफरेंसेस टोटल फाइव निकालने हैं. तो एक तो यहाँ पे देखिए, ये जो अंकल है इसने हैंडल पकड़ा है, यहाँ पे कुछ पकड़ा नहीं है, ठीक है. फिर फ्लावर्स, यहाँ पे कुछ ज़्यादा फ्लावर्स ग्रो दिख रहे हैं, यहाँ पे कम दिख रहे हैं. उसके बाद थर्ड देखिए कि यहाँ पे ये लड़की ने दो चोटियाँ बांधी हैं, यहाँ पे ये एक ही चोटी दिख रही है. सो ये थ्री डिफरेंस हुए. यहाँ पे एक फोर्थ डिफरेंस जो है ये हैंडल का है, एंड फिफ्थ डिफरेंस ये टेबल का है. नाउ कॉपी दिस लेटर्स. तो यहाँ पर आपको सिंपली ये लेटर्स को कॉपी करना है, ए देन स्मॉल ए, बी देन स्मॉल बी, उसी तरह से आपको जेड तक सब कॉपी करना है, ठीक है. सो दिस कंप्लीट्स योर चैप्टर. तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू.